आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों कुछ शराबी वार्ड बॉयों का आतंक है। आलम यह है कि यह वार्ड बॉय आपको शराब के नशे में अस्पताल के गेट में ही मिल जाएंगे। अस्पताल में आज एक ऐसी ही वार्ड बॉय के कारण अस्पताल आई महिला मरीज की टांग टूट गई। यह घटना आज उस वक्त हुई जब शराब के नशे में धुत होकर वार्ड बॉय एक व्यक्ति से मारपीट कर रहा था, तभी वहां मौजूद महिला को भी वार्ड बॉय ने लात मार दी, जिससे वह गिरकर घायल हो गई और उसकी एक टांग टूट गई। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घटना को लेकर चिकित्सक भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपनी बहू को मैहर से अस्पताल लाई थी और बहू को छोड़कर पर्ची कटा रही थी, तभी राजशेखर नाम का वार्ड बॉय एक व्यक्ति से विवाद कर रहा था, जिस दौरान वार्ड बॉय ने वहां खड़ी महिला को भी लात मार दी, जिससे वह गिरकर घायल हो गई और उसकी एक टांग टूट गई। घटना के बाद वार्ड बॉय जहां मौके से फरार हो गया है, तो वहीं चिकित्सकों ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया है। हम लोग अभी हॉस्पिटल में पहुंचे ही थे, इसको तकलीफ वैसे भी थी, तो ये मैंने कहा तू धीरे धीरे आ जा जब तक मैं पर्ची कटाती हूँ। दो मिनट नहीं लगे, अभी मैं वहाँ तक पहुँची भी नहीं खिड़की तक, और इसको जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ आ रही थी। एक बंदा वहाँ बैठा था, फिर बाद में लोगों ने बोला उसका नाम राजशेखर द्विवेदी पारार पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम बताया, और वो पिए हुए था, मुझे बदबू भी आ गई थी उससे, और वो दोनों वो किसी को मार रहा था और ये बेचारी चिल्ला रही थी भैया रुक जाओ भैया रुक जाओ, और उसने सुना नहीं, उल्टा उसको धकेल दिया और लात इसको लग गई। अब ये देखो हालत इसकी, उठने के लायक नहीं है हमारी। इसका ऋषि का नाम है, मेरी बहू है। हम लोग मैयर शिवम नगर से यहाँ इसका इलाज ही करवाने आए थे। हमको क्या पता कि जाते ही हमारे लिए तो यहाँ मुसीबत खड़ी हुई है। ऐसे लोग बैठते कैसे हैं बाहर, क्यों मारेंगे हमारे, हम थोड़ी जानते हैं, वो तो आपस में लड़ रहे थे, वो किसी और को मार रहे थे, उसको धक्का दिए उसकी लात लग गई। अब तो शर्म नहीं आती है, लेडीज एक निकल रही है परेशान है, अंधे तुम लोग पी के बैठते कैसे यहाँ पर। हाँ मैंने की है CMO साहब से शिकायत, उन्होंने मुझे कहा आप रिपोर्ट करो, एक कापी हमें भी दो, हम भी कार्रवाई करेंगे। अभी मैं पहले बोले इनका इलाज तो कराऊं, अभी जाऊंगी ना रिपोर्ट करने। अब ये तो हमारे तो ऐसे बेचारे कई और मजबूर परेशान आते हैं। मेरा नाम मनीषा जीवनानी है, मैयर से। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। यहां अक्सर शराब के नशे में वार्ड बॉय को लड़ते झगड़ते देखा जाता है। माना जा रहा है कि अगर अस्पताल के वार्ड बॉय का यही आलम रहा तो किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले एक महिला जो है अपने बहू को दिखाने आई थी, सास बहू आई थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि चिकित्सालय के किसी कर्मचारी का धक्का लगने से उसकी बहू को अभी चोट आ गई है, आई वो कुछ और दिखाने थी। मेरे द्वारा उसका एक्सरे कराया गया, उसके एक्सरे में पैर में फ्रैक्चर दिखा है, तो मैंने उसको एडमिट किया है इलाज के लिए अभी, और आगे इलाज के लिए हमने डॉक्टर से बात की है कि इसका संपूर्ण इलाज करें। अब वो उसने अभी बताया कि कर्मचारी धक्का लगा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उससे कहा भी है कि चूंकि अभी पब्लिक प्लेस है, तो यदि आप चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप पुलिस में शिकायत करें, आप जाके। वो कह भी रही है कि हम पुलिस में शिकायत करना चाहते हैं।